मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा कि शहर सीट पर हम दो बार से हार रहे हैं, इसी कारण शहर में विकास की गति धीमी रही। शहर में भाजपा जीती तो विकास की गंगा बहेगी। महावीर चौक पर भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बालियान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार है, शहर में चेयरमैन हमारा नहीं होने से योजनाएं यहां ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं हो पाई हैं। 6 साल से 52 करोड़ की अमृत योजना शहर में चल रही है, कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं हुआ है। योजनाएं सही समय पर पूरी हों तो केंद्र और प्रदेश सरकार के पास बजट की कमी नहीं है। शहर में बीजेपी की जीत से हमारी ट्रिपल सरकार हो जाएगी और विकास की गंगा बहेगी। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भाजपा का मतलब विकास है। बहुत सी योजनाएं जिनका पैसा मुजफ्फरनगर आना चाहिए था, नहीं आ पाया। रिसोर्सेज किसी तरह से हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो इक्विपमेंट खरीदे थे वो खड़े हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं। ना विधायक ना सांसद कुछ कर नहीं पा रहा है शहर के अंदर। शहर को बाहर से सुंदर बना दिया और टर्निंग रोड बना दिया। ये चुनाव ना जाति पे ना धर्म पे किसी बात पर नहीं लड़ा जाएगा। ये चुनाव मुजफ्फरनगर के विकास के लिए, मुजफ्फरनगर की सरकार को केंद्र और प्रदेश सरकार से जोड़ने के लिए मुजफ्फरनगरवासी लड़े, मेरा ऐसा अनुरोध है।